सुन्नत बताने लगा हूं। सुन्नत क्या है, यानी हम देखें कि क्या कभी हमने इस इबादत को आसान तरीके से अदा करने की कोशिश की है। आका अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन, हदीसे पाक में आता है कि अब यहां ना औरत की एक हिस्स होती है, औरत चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, अल्लाह ने औरत में ये हिस्स ही नहीं रखी कि आप उसे कहें तेरे अंदर ये खामी, ये सुनने की हिस्स औरत में नहीं अल्लाह ने रखी। वो ये चाहती है कि बस मेरी तारीफ की जाए। औरत पैदा इसलिए की है कि उसे कायनात का हुस्न बनाया। और इस पर डील कारनेगी एक ईसाई राइटर है, वो कहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप तारीफ नहीं करते। आप दो जुमले तारीफ के बोल के अपना घर आबाद कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? किसी की खूबी बयान करनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि आका अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन, उन्होंने आपस में यह तय किया कि जब भी आका अलैहिस्सलाम के साथ हमें फरागत मिली यानी अकेले हुए, तो हम सवाल करेंगी। अब ये बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब सवाल। उम्महातुल मुमिनीन ने आपस में फैसला किया जब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अकेली बैठेंगी तो ये सवाल करेंगी कि या रसूलल्लाह, आप ये बताएं कि आपको अपनी तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बात समझे? अब ये एक मुश्किल सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। अब औरत की हिस है कि वो कहे मुझसे, हर एक की चाहत होगी ना मुझसे कह दे। तो ये उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि हम पूछेंगे कि या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा प्यार किससे है। अब आका अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्हें खबर हो गई कि इन्होंने पूछना है। अब हुजूर की सुन्नत देखें, हुजूर की वो लोग सुन्नत देखें जो आपको बड़ा मर्द कहते हैं। बात ऐसी, यानी ये जो है ना मर्द, ना मर्द होना या रन मुरीद का लफ्ज, ये लफ्ज इस्लाम का नहीं है, हिंदुओं का है। याद रखें, अपनी बीवी के साथ हाथ बिठाना ये ताजदारे कायनात की सुन्नत है। उनसे बड़ा मर्द कौन हो सकता है जो घर में झाड़ू भी मार देते थे? उनसे बड़ा मर्द कौन हो सकता है जो अपने कपड़ों के बटन भी लगा लेते थे? उनसे बड़ा मर्द कौन हो सकता है? उनसे बड़ा भी स्टेटस उनका होगा। मैं कर रहा था, उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि हम आका से पूछेंगे या रसूलल्लाह, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हो गया कि इन्होंने पूछना है, तो कुर्बान जाए जरा हुजूर की सुन्नत तो देखें। आप हर बीवी से अलग मिले और उससे प्यार किया, इजहार मोहब्बत किया, उसे कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और साथ ही सफेद फूल दिया, और सफेद फूल के दे के कहा यह हमारी मोहब्बत की निशानी है, ये हमारे प्यार की निशानी है। सफेद फूल दे के साथ ही पक्का कर लिया कि दूसरी को ना बताना कि मैंने तुम्हें सफेद फूल दिया। और हर एक से मिले, सबसे मिले अलग अलग, सबसे प्यार का इजहार किया और सबको सफेद फूल दे के कहा कि ये हमारी मोहब्बत की अलामत है और मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर दूसरी को ना बताना कि मैंने तुम्हें सफेद फूल दिया। अब सबसे मिले, जब सबको मिल लिया तो बाद में आप बैठ गए तो उन्हें फरागत मिल गई। तो फरागत मिल गई तो अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपसे एक सवाल करना है। अब हुजूर को तो पता था, आपने पूछा क्या सवाल करना है। फरमाती हैं, हुजूर सवाल ये है कि आप बताएं, अब सब बैठी हैं ना, इकट्ठी बैठी हैं, कहती हैं या रसूलल्लाह ये बताएं आपको अपनी बीवियों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? आपने फरमाया सफेद फूल वाली से। वो सारी चुप कर गई। सफेद फूल वाली से कहा तो सारी चुप कर गई। अब मुझे बताएं
कि जहां वो हुजूर की बीवियां अजवाज हैं वहां आका का कलिमा पढ़ के हुजूर की उम्मती भी थी, ऐसा ही था ना। अच्छा, कुरान आ रहा था और हुजूर जो फरमाते थे वो कुरान नहीं था, वो हदीस थी, कुरान था, वही थी ना। मुझे बताएं अगर आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है उन्हें, यही कहा ना सबसे बराबर करता हूं, कहा तो यही है ना भाई, सबको तो सफेद फूल दे दिए और सबको पक्का कर लिया और बाद में कह दिया सफेद फूल वाली से, तो सबने समझा कि मेरी बात हो गई है। अब मुझे बताएं अगर वो सारी पूछती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है और हुजूर कहते सबसे बराबर है, यही कहा है ना आपने, अगर ऐसे डायरेक्ट कह देते सबसे बराबर, तो उनकी हिस पूरी ना होती, दिल रुबाई पूरी ना होती, वो जो अंदर हिस है कि मुझे कहा जाए, वो जो औरत चाहती है कि बस मेरे साथ मोहब्बत का इजहार हो कि मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो हिस पूरी ना होती। कुर्बान जाए आका आपकी अदा पर आपने वो दिल रुबाई भी रखी और इंसाफ की बात भी कर दी। तो आका अलैहिस्सलाम ने बीवी को फूल दे के सुन्नत कायम कर दी, कभी कभी तोहफा भी दे दिया करो बाबा। कितने हैं ऐसे जो बीवियों को फूल देते हैं, याद रखने सबसे बुजदिल इंसान वो है जिसका किसी से कुछ नहीं ना चलता बाहर, वो आके बीवी पे आके तो जनाब उसा निकालता है, सबसे बुजदिल इंसान वो होता है जो बीवी को मारे, बीवी को झिड़के। लिहाजा इसको पैदा ही इसलिए किया गया है इसके साथ जगड़ना। आका ने तो सलाम ने फरमाया, अभी हदीस सुना रहा हूं, खवातीन नाराज ना हो, हुजूर का फरमान है ये, मैं आका का फरमान सुनाने लगा हूं। आका ने फरमाया औरत मर्द की पसली से पैदा हुई है और पसली टेढ़ी होती है, पसली होती टेढ़ी है। आका ने फरमाया खबरदार इसे जोर लगा के सीधा ना करना। ये देखे ना आप पसलियां गिन लें, आपकी बाई पसली कम होगी, वो कौन है, वो जो आपके साथ आ गई है, और जो बाई पसली थी ना वो निकाह के वक्त आपके साथ जो आई है ना ये वही थी, तो यहां से निकाल के अल्लाह ने सामने रख दिया आपके, ये अल्लाह की कुदरत है। अब पसली ये देखिए ना ऐसे है तो ऐसे टेढ़ी बनी हुई है ना, टेढ़ी है, तो हुजूर ने फरमाया टेढ़ी है इसे जोर लगा के सीधा ना करो, जोर लगा के क्या माना, पूछा ना करो। फिर आका ने फरमाया अगर चूंकि जोर लगाओगे तो टूट जाएगी, जोर लगाओगे तो टूट जाएगी और टूट जाएगी तो फिर जुड़ेगी नहीं, ये मैं हदीस सुना रहा हूं आपको भाई, क्या टेढ़ी चीजों से काम नहीं लिए जाते भाई, वहीं रख के काम लो जहां पर उसे रखा गया है। तो सिर्फ इतनी बात है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि उसकी तारीफ भी कर दो, वो तुम्हारे बच्चों को पालती है, वो तुम्हारी सारे घर का काम करती है, मैं बाहर निकला हूं मुझे रेड़े, मैं बाहर निकला हूं मुझे परवाह नहीं है, मेरे बच्चों की बेहतरीन तरबियत मेरी जोजा कर रही है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये तनबीह थी मर्दों के लिए, अब जरा औरतों की तरफ भी आ जाए।